नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी फैक्टर में इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले केला वी ट्वेंटी का यहाँ पे जो अगला मुकाबला होगा जो कि मैं नंबर फाइव जो कि खेला जाएगा यहाँ पे टीम स्पेयर वर्सेस टीम पर्व के बीच में इसके हम लोग यहाँ पे आप लोग को रेवन की स्मॉल लीग की प्राइम टीम प्लस ग्रैंड लीग के जो भी इंपॉर्टेंट की प्लेयर होंगे जो कि आप लोग को यहाँ पे ग्रैंड लीग में एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करने उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्लस जो हमारी वीडियो का यार सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे की पार्ट रहेगा कि टॉस फैक्टर यानी कि टॉस का इस मैच में किस प्रकार से रोल रहेगा अगर पहले बैटिंग करेगी टीम स्पेयर की टीम तो किस के रन किस प्रकार के विकेट यहाँ पे आप लोगों को गिरते नजर आएंगे वहीं अगर पहले बैटिंग करेगी टीम पर्ल की टीम तो किस प्रकार की रन किस प्रकार के विकेट आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलेंगे ठीक है यानी कि दोनों टीमों को हम लोग आपस में कंपेयर करके आप लोगों को दिखाएंगे जिससे कि आप लोगों का जो टीम कॉम्बिनेशन है एकदम से परफेक्ट बन जाए फ्रेंड्स हमारा जो मोटिव रहता है कि आप लोग अच्छा सा कॉम्बिनेशन आप लोग का बने चाहे आप लोग ग्रैंड ग्रैंडली खेलो चाहे आप लोग स्मॉल लीग में खेलो ठीक है इसका रिजल्ट पे आप लोग हमारे टेलीग्राम पे देख सकते हो जो हम लोग कॉम्बिनेशन पे वर्क करते हैं 90 परसेंट से आप लोगों को यहाँ पे क्लीन स्विप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिले ठीक है इसका प्रूफ भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग यहां पे आज के रिजल्ट के ही बारे में बात करेंगे ठीक है तो चलिए चलते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे जो हमारा आज का रिजल्ट रहा, उसे हम आप यहाँ पे दिखा लेता हूं ठीक है तो देख सकते यहाँ पे जो हमारा आज का रिजल्ट ओवरऑल क्लीन स्विप हम लोगों ने किया ठीक है टीम कॉम्बिनेशन में आप लोग यहां पे देख सकते हो नौ प्लेयर फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे ड्रीम टीम के पार्ट है ठीक है सिर्फ दो प्लेयर नहीं है ड्रीम टीम के अदरवाइज ये पूरी की पूरी ड्रीम टीम हो जाती थी और कैप्टन भी हमारे यहाँ पे ड्रीम टीम की पार्ट है ठीक है तो फ्रेंड्स काफी गजब की क्लीन स्विप हमने इस टीम से की थी इसके अलावा आप लोग इससे पहले के मुकाबले भी देखोगे तो नाइनटी से ऊपर आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि क्लीन स्विप आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा ठीक है आप लोग देखोगे आप भी से किसी भाई ने विनिंग स्क्रीन मुझे सेंड किया और कॉम्बिनेशन के बारे में मेरी मतलब बताया कि किस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन है ठीक है बाकी यहाँ पे देख सकते हो ग्रैंडिंग में आप लोगों को बहुत अच्छी यहाँ पर रैंक देखने को मिलेगी ठीक है विनिंग इतनी ज़्यादा मैं अगर पूरी दिखा दूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है फोर मेंबर थ्री मेंबर आप लोग कहीं भी जाके चेक करोगे तो ऑलमोस्ट आप लोगों को नाइनटी परसेंट से मैचेस देखने को मिलेंगे ठीक है इसका रीज़न है कि जैसे मैंने कहा कि हम कॉम्बिनेशन पे वर्क करते हैं तो उसी का ये रिजल्ट है ऐसा नहीं है कि हमने बस सिलेक्शन को यहाँ पे पहले रख रखा कि इतने परसेंट लोगों ने सेलेक्ट किया तो हम लोग भी इन्हें सेलेक्ट करेंगे ठीक है हमारे पास एक पर्टिकुलर रीज़न रहता है किसी प्लेयर को हम अगर अपनी टीम में रखते हैं ठीक है कि वो क्या काम करेगा किस तरीके से हमारी टीम का कॉम्बिनेशन सही बनेगा फ्रेंड्स तो बेसिक सा यही चीज़ है जो कि हम जिस जिसपे वर्क कर रहे हैं और आप लोगों को भी मैं कहूँगा कि इन्हीं चीज़ पर आप लोग वर्क किया करिए ठीक है इसी से फ्रेंड्स आप लोग स्मॉल स्मॉली ग्रैंडिंग में बहुत अच्छा कर सकते हो अब तो हो गई काफ़ी ज़्यादा बात अब हम लोग यहाँ पर सिंपली इस वाले मुकाबले की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं हाँ आप लोगों का फोकस टॉस फैक्टर की तरफ करना चाहूँगा इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर दोनों टीमों का करंट फॉर्म और प्लेइंग इलेवन को जानना जरूरी है तो चलिए देख लेते हैं दोनों टीमों का करंट फॉर्म एंड प्लेइंग इलेवन करंट फॉर्म देख सकते हो दो मैच इन्होंने खेले हैं दोनों के दोनों मुकाबले काफ़ी शानदार तरीके से विन किया ठीक है ठीके? और यहाँ पे बात करूँ तो टीम पल की तो टीम पल ने भी दो मुकाबले खेले दोनों के दोनों मुकाबले विन किया ठीक है ठीके? तो दोनों की दोनों टीमों काफ़ी ज्यादा स्ट्रॉग है यानी कि आप लोगों को काफी टक्कर का मुकाबला ये देखने को मिलेगा ठीक है लेकिन हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सी टीम स्ट्रॉग है कौन सी टीम वीक है ठीक है तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग सिंपली एक हमारे पास जो लॉजिक है उससे हम लोग यहाँ पे देखेंगे ठीक है यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स टीम एम्बर के साथ यहाँ पे पहला मुकाबला हुआ था टीम पल का जिसे इन्होंने बीसवें मुकाब बीसवें ओवर में यहाँ पे विन किया चार विकेट से

तरीके से देखोगे ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखोगे तो टीम स्पेयर की टीम स्ट्रॉन्ग है यानी कि अगर आप लोग 19 20 रख रहे हो तो 20 आप लोगों को टीम स्पेयर की टीम को रखना पड़ेगा ठीक है 19 टीम पल्स की टीम हो जाएगी तो सिंपली इस मैच के लिए जो हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से निकल के आ रहा है वो आ रहा है फ्रेंड्स छः 5 का 6 प्लेयर आप लोग को टीम स्क्यर की तरफ से लेके चलने पांच प्लेयर आप लोग को टीम पर्ल की तरफ से लेके चलना यही सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों का होने वाला है इस मैच के लिए ठीक है लेकिन अगर आप लोग ड्रीम इलेवन में जाके चेक करोगे तो फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट प्लेयर मिलेंगे वो टीम पर्ल की तरफ से आपको मिलेंगे ठीक है टीम स्पेयर की तरफ से आप लोगों को पता नहीं ज़्यादा विकेट इनके गिरे नहीं है ठीक है तो जो बेसिक से जो टॉप ऑर्डर का इनका है जो बैट्समैन है उन्हीं की ज़्यादा बैटिंग आई मिडिल ऑर्डर की बैटिंग नहीं आई इसलिए आप लोगों को यहाँ पे कुछ ही सिलेक्टेड अच्छे प्लेयर मिलने वाले हैं तो वही बहुत अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं जैसे टीम स्पेयर बहुत अच्छी तरीके से विन कर रही है ठीक है तो सिंपल से यहाँ पे आप लोग को टीम स्पेयर के प्लेयरों पर ज़्यादा ज़्यादा फोकस करना है कैप्टेंसी वाइस कैप्टनसी के लिए ग्रैंड वगैरह में तो खास करके ठीक है वहीं बात करूँ फ्रेंड्स अगर पहले बैटिंग करेगी यहाँ पर टीम स्पेयर की टीम तो फ्रेंड्स आप लोगों को सिम्पल यार 120 प्लस आप लोगों को यहाँ पे रन देखने को इजीली मिल जाएंगे ठीक मुश्किल से मुझे लग रहा है कि चार से पांच विकेट निकाल पाएगी टीम पल की टीम ठीक है वही बात करूँ अगर कर टीम पल पहले बैटिंग करेगी तो मैं कहता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे हंड्रेड से और वन के बीच में यानी कि इन दोनों के बीच में आप लोग को रन देखने को मिलेंगे इनकी तरफ से ठीक है वहीं इनकी तरफ से मैं कहूँगा कि फ्रेंड्स पाँच से छः विकेट आप लोग मान के चले कि इनकी तरफ से यहाँ पे गिरेंगे ही गिरेंगे क्योंकि यहाँ पर टीम स्पेयर के बॉलर बहुत अच्छे हैं हो सकता है कि इनके ज़्यादा विकेट भी निकाल सकती है या फिर आउट भी यहाँ पे कर सकते हैं यानी कि स्पेयर के विन करने के चांस थोड़ा सा ज्यादा हाई है ठीक है इस चीज से आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए अब बात थोड़ा सा पिच की भी करेंगे तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि सारे के सारे मैच कहाँ पे हो रहे हैं सनातन धर्म कॉलेज ग्राउंड में ठीक है इससे पहले मेंस के मैच भी हो चुके कैलावेंस के ठीक है तो उसमें भी आप लोगों ने देखा कि बहुत अच्छा बॉलिंग ट्रैक है स्पिनर प्लस पेसर यहाँ पे सिर्फ स्पिनर लिखा लेकिन पेसर्स को भी पे अच्छी खासी हेल्प मिल जाती है ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिनर और स्पिनर जो क्वालिटी स्पिनर है उन्हें ज़्यादा यहाँ पे विकेट मिलते है ठीक है आप लोगों ने मेंस के मैच में भी देखा होगा 95 से और 100 के बीच में आप लोग को यहाँ पे फ्रेंड्स एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ठीक है अब हम लोग यहाँ पे प्लेइंग इलेवन की बात करेंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे टीम पल की प्लेइंग इलेवन जो लास्ट का मुकाबला इन्होंने खेला उसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जिसना ने ओपन किया था अवस्थी बाबू के साथ ठीक है देख सकते हो तो सत्रह रन जोसे अपने बनाए दस रन यहाँ पे अवस्थी बाबू जो कि की विकेट कीपर है इन्होंने बनाए ठीक है और कुछ खास मुझे नहीं लगा इन दोनों का मतलब यहाँ पे देख सकते हो अवस्थी बाबू ने भी तेईस बॉल खेली और दस रन यहाँ बनाए बनाया कि टी ट्वेंटी के हिसाब से फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी अच्छा मुझे नहीं लगा वहीं जोसे अपने अठाईस यहाँ पे बॉल खेली और सत्रह रन यहाँ पे बनाए यानी फ्रेंड्स अगर आप लोग देखोगे ओवरऑल जितने भी वुमन्स के मैच होते हैं रन आप लोगों को कमी देखने को मिलेंगे मैक्सिमम विकेट ही आप लोग को वुमेन्स के मैच में गिरते हुए नजर आएंगे ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है अपने ठीक है फिर यहाँ पे अखिला ने देख सकते हो फ्रेंड्स ट्वेंटी नाइन रनों के

चार ओवर कराए एक मेडिन डाला और दो विकेट निकाले यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाले मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है ठीक है बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेती है लेकिन बैटिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी बॉलिंग है बात करेंगे दूसरी जो बॉलर है इनके जिन्होंने विकेट निकाले फ्रेंड्स यहाँ पे देखोगे हुए एलिना सिबूट एलिना सिबू ने फ्रेंड्स तीन ओवर कराए एक मेडिन ओवर डाला और तीन विकेट निकाले और बहुत अच्छी कॉर्न से बॉलिंग भी कराई ठीक है तो ये भी काफी गजब की बॉलर आप लोगों का यहाँ पे होने वाले फिर यहाँ पे देख सकते हो जो अदर बॉलर है यहाँ पे एस बालन ने दो ओवर कराए तेरह रन दिए कोई विकेट नहीं कीर्ति जैम से जो कैप्टन है तीन ओवर कराए पंद्रह रन दिए हैं और एक विकेट निकाले यानी कि ये या भी अच्छी खासी बॉलर है फिर यहाँ पे दर्शना मोहरन ने दो ओवर में बारह रन दिए कोई विकेट नहीं मिला नंदना ने यहाँ पूरे चार ओवर कराए तेईस रन दिए प्लस दो विकेट निकाले यानी नंदना भी एक इंपॉर्टेंट बॉलर हो जाती है ठीक है फिर यहाँ पे बादरा है बादरा ने भी देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे दो ओवर कराए छः रन दिए विकट इन्हें नहीं मिला अब बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरी टीम यानी कि टीम स्पेयर की जो प्लेइंग इलेवन होने वाली किस तरीके से यहाँ पे होगी ठीक है लास्ट का मुकाबला देख सकते हो काफ़ी शानदार तरीके से इन्होंने विन किया बात करूँ इनकी तरफ से यहाँ पे भूमिका ने ओपन किया फिफ्टी फाइव रनों की इनिंग खेली इससे पहले भी इन्होंने एक फिफ्टी प्लस की इनिंग खेली है यानी कि दो मैच खेले दोनों में फिफ्टी यहाँ पे मारी है ठीक है ओपन करेगी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होने वाले मनीषा सीख के जो कि की विकेट कीपर है लास्ट में जो थोड़ी सी फ्लॉप हो गई थी यहाँ पे एक रन बनाए लेकिन ओवरऑल इनका रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है तो इन पर आप लोग ज़्यादा फोकस मत करना ठीक है, में, है फिर यहाँ पे चिलित थनाया है तेरह रन बनाए लास्ट के मैच में अच्छे ठीक ठाक बैट्समैन है ठीक है फिर यहाँ पर संजीवा संजना है जो कि कैप्टन है तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है अठारह रन लास्ट के मैच में बनाए इसके अलावा फ्रेंड्स अगर यहाँ पे अदर बैट्समैनों की बात करें तो यहाँ पे इनके बाद राजू आएगी फिर यहाँ पे एस सुरेन आएगी फिर यहाँ पे ए के के आएगी ठीक है तो ये इस तरीके से इनकी बैटिंग है अब बात करेंगे इन्होंने सामने वाली टीम के यार पूरे सात विकेट निकाले जिसमें से आप लोग यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स राजसू ने यहाँ पे दो ओवर कराए और एक विकेट यहाँ पे निकाला ठीक है वहीं बात करूँ सुद्रा सुसैन ने सुरेश ने तो यहाँ पे देख सकते हो चार ओवर कराए एक मेडिन डाला और यहाँ पे नौ रन दिए एक विकेट निकाला यानी कि बहुत अच्छे इकाउंट्स से यहाँ पे बॉलिंग कराई और फ्रेंड्स यहाँ पे एक विकेट भी निकाल के दिया काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैप्टनसी हुआ इस कैप्टनसी आप लोग दे सकते इन्होंने ठीक है सिर्फ संजना की बात करो तो संजना तो हमारी कैप्टन थी आज के मैच में आप लोगों ने टीम जस्ट देखी होगी जो ड्रीम टीम हमारी लगभग बन चुकी थी ठीक है दो प्लेयर और रहते तो बन जाती ठीक है उम्मीद करूँगा इस मैच में डेफिनेटली हम लोग जरूर से बनाएंगे ठीक है कोशिश पूरी रहेगी बाकी तो फ्रेंड्स थोड़ा बहुत लक भी मैटर करता है तो ये चीज़ बात की बात है बात करेंगे यहाँ पर चार ओवर इन्होंने कराए पंद्रह रन दिए तीन विकेट निकाले तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए ये भी होने वाली कैप्टनसी वाइस कैप्टनशी के लिए भी बैटिंग भी काफी शानदार कर देती है ठीक है अपना के ने देख सकते हो फ्रेंड्स यहां पे चार ओवर कराए एक मीडियन डाला एक विकेट यहां पे निकाला ये भी इंपॉर्टेंट है चार ओवर पूरी डाल दी फिर यहां पर अवस्थी एम ने दो ओवर कराई ग्यारह रन दिया कोई विकेट नहीं मिला फिर यहां पे विनाया सुरेंद्रन ने तीन ओवर कराए सत्रह रन दिया एक विकेट निकाला ठीक है फिर यहां पे चिलथनाया है एक ओवर कराए छ कोई विकेट नहीं मिला तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे टीम बात करो टीम स्पेयर की कुछ इस तरीके से इनकी बॉलिंग रही है और इन तरीके से इनकी बैटिंग रही ठीक है थीके? अब आप लोगों को दोनों टीमों का प्लेइंग इलेवन पता चल चुका है अब हम लोग यहाँ पे सिंपली टीम की बात करेंगे तो टीम फ्रेंड्स आप लोगों को मैं जल्दी से बता देता हूँ कि जो हमारी टीम बन के आई आखिर कैसी बन के आई है जल्दी से हम लोग यहाँ पे टीम भी देख लेते हैं ठीक है थीके? अगर वीडियो यार थोड़ा लंबा हो रहा तो माफ कर लेना मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट में बताने की बी अवस्थी हमने यहाँ पे विकेट की पास सेक्शन में लिया लास्ट का मुकाबला आपको पता है दस रन यहाँ पे बनाए थे और दो कैच पकड़े थे प्लस यहाँ पे दो यहाँ पे रनआउट भी किए थे ठीक है फिर आपके पास यहाँ पे सी के भी एक अच्छी ऑप्शन में कूँगा पहले मुकाबले में यहाँ पे ठीक ठाक तरीके से दस रन बनाए थे लेकिन मैं कहूँगा फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मतलब स्लो खेलती है ठीक है ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा खेलेगी आप लोगों ने देखा लास्ट के मुकाबले में भी बहुत ज़्यादा बॉल इन्होंने खा ली थी उसके बाद रन बनाए थे इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पे बी अवस्थी आपको लिए से होने वाली बात करूंगा पे फ्रेंड्स सिंपली बैटिंग सेक्शन की तो एच यू भूमिका दोनों मैच अब फिफ्टी प्लस का स्कोर कर चुकी है तो इन्हें तो लेना ही है फिर पे भी लास्ट के मुकाबले में आप लोगों को पता तीन विकेट निकाले तो इनको भी लेना है फिर पे एस सू भी काफी अच्छी फॉर्म में लास्ट के मैच में आ चुकी है दो विकेट निकाले ठीक है तो इनको भी आपको लेके चलना बाकी ग्रैंड लीग के लिए आप लोग पे पी ए को ट्राई कर सकते हो एस सीहा ग्रैंड लीग में ट्राई करना ठीक है स्मॉल लीग के लिए सही नहीं है जे चिले थे आया ग्राइंडिंग में ट्राई करना एक ओवर बॉलिंग में डाला था इन्होंने तो हो सकता है कि इस मैच में तो एक आधा विकेट भी ले सके फिर यहाँ जोसेफ़ जीना है इनके भी ग्राइंडिंग में आप लोग ट्राई करना बात करेंगे यहाँ पे सिंपली ऑलराउंडर सेक्शन की तो चार ऑलराउंडरों के साथ हम गए एस सा जो कि हमारी कैप्टन भी होगी सांपसी बात है ठीक है लास्ट के मुकाबले में अठारह रन प्लस तीन विकेट उससे पहले भी आप लोगों ने देखा बारह रन दो विकेट ठीक है यहाँ पे जे कीर्ति का भी अच्छा खासा रिकॉर्ड है ठीक है लास्ट के मैच में बारह रन एक विकेट उससे पहले भी एक विकेट निकाल चुकी इसके बाद यहां पे देख सकते हो आई वी दिव्या है आई वी दिव्या ने भी लास्ट के मुकाबले में अट्ठाईस रनों की शानदार इनिंग खेली थी उससे पहले यहाँ पे आई वी दिव्या ने चौबीस रन बनाए हैं ठीक है विकेट अभी तक आई वी दिव्या को नहीं मिले तो यहाँ पे आई दृश्य को आप लोग दृश्य सॉरी मैं दिव्या कह रहा हूँ तो दृश्य को आप लोगों को यहाँ पे लेके चलना कप्टन वाइस कैप्टनशीपी आप लोग देख सकते हो क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे कम लोग दृश्य को एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करेंगे ठीक है के अपर्ण के साथ

एस सादरा को आप लोग जानते हो लास्ट के मुकाबले में शानदार तरीके से एक विकेट यहाँ पे निकाला था और फ्रेंड्स एक मीडियन ओवर भी यहाँ पे डाला था ठीक है बात करूँ यहाँ पे इससे पहले भी एक विकेट इन्होंने निकाला है ठीक है तो यानी कि दोनों मैचों में एक एक विकेट निकाल चुकी काफी इंपॉर्टेंट है नंदना ने भी लास्ट के मुकाबले में आप लोगों को पता जो दूसरी बॉलर है हमारी दो विकेट निकाले थे और काफ़ी अच्छी इकॉनमी रेट से बॉलिंग भी कराई ठीक है सुरेंद्रन विनाया ने भी एक विकेट लास्ट के मुकाबले में निकाला था और उससे पहले भी आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स शानदार तरीके से इन्होंने यार यहाँ पे एक विकेट निकाला था ठीक है तो तीनों के तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए आप लोगों के पास यहाँ पे राजस्व को एक और अच्छी ऑप्शन है ठीक है इनको भी आप लोग चाहो तो ट्राई करना लेकिन ग्रैंडिंग में मैं कहूंगा इन प्लेयरों को आप लोग ट्राई करना ठीक है बात करेंगे यहाँ पे कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी की तो कप्टनसी फ्रेंड्स हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे एस साजना को दिया है वाइस कैप्टनसी हम लोग यहाँ पे जे कीर्ति को दी ठीक है तो देख हो तो कुछ इस तरीके से हमारा टीम का कॉम्बिनेशन बन गया अब आप लोग क्या करना सेम टू तो सेम टीम आप लोग लगा सकते हो और रियल अलेवन पर भी बैट बॉल अलेवन पे ठीक है दोनों एप्लीकेशनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन पे दे रखा तो आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छा विन कर सकते हो जैसे रियल एलेवन पर आप लोग देखोगे तो आप लोग को यहाँ पे सबसे लोएस्ट एंट्री फीस देखने को मिलेगी ठीक है देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छा आप लोग बोनस में यहाँ पर यूज़ कर पाओगे और हेड टू हेड में इस एप्लीकेशन को यहाँ पे देखोगे सबसे लोएस्ट एंट्री फीस का टैग मिला है ठीक है तो आप लोग यहाँ पे आके फ्रेंड्स सिंपली जो एंट्री फीस आप लोग अदर एप्लीकेशन पे ज़्यादा दे रहे हो यहाँ पे आप सबसे कम देख सकते हो ठीक है लास्ट में स्टैंडिंग में भी सबसे लोएस्ट एंट्री फीस है फर्स्ट डिपॉजिट हंड्रेड परसेंट बोनस ऑफर इनका है कि यानी कि शुरू में ही आपके पैसे डबल हो जाएंगे इंस्टेंट विदड्रॉ है चौबीस इंटू सेवन ठीक है यानी कि कस्टमर सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है और फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हो नंबर दे रखा आप लोगों को कोई भी दिक्कत आएगी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो ठीक है बात करो बैट बॉल अलेवन की तो बैट बॉल अलेवन पर भी आप लोगों को बहुत अच्छे फीचर मिलने वाले हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पर भी सेकंड इनिंग फेंटासी का मजा ले सकते हो और आई का तो इन्होंने स्पेशल सा यहाँ पर सेक्शन बना रखा ठीक है आप लोग यहाँ पे आके चेक करोगे तो बहुत अच्छी अच्छी लीग आप लोग को यहाँ पे मिलने देखने को मिलेगी ठीक है देख सकते हो यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छा अपना बोनस भी यूज कर पाओगे और यहाँ पे भी फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत लोएस्ट एंट्री फीस देखने को मिलेगी ठीक है इनका भी रेफर एंड एंड प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है तो फ्रेंड्स दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा आप लोग दोनों पर खेल सकते हो और यहाँ पर भी आप लोग को बहुत अच्छे यहाँ पर फ्रेंड्स गिवे वगैरह मिलने वाले ठीक है तो दोनों एप्लीकेशनों को आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो तो हंड्रेड दोनों के दोनों ट्रस्टेबल है जहाँ पर आप लोग बहुत अच्छा अपना लॉस कवर भी कर सकते हो सेकेंड इनिंग फेंटासी दोनों में चलती है ठीक है तो फ्रेंड्स इसी के साथ यार इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ उम्मीद करूँगा कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना पहली बार अगर आप लोग इस चैनल पर आए हो चैनल पर आप लोग कुछ भी अच्छा लगा तो चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करना तो मैं मिलूंगा फ्रेंड्स आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए आप लोगों को मैच की बहुत सारी शुभकामनाएं